Hey, hello, and what is up, traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stocks Trader YouTube channel. बात करेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स पे कामकाज कर सकता है. तो यहाँ पे जो एक तेजी आई थी फ्राइडे को, आज पूरा इसका कंसोलिडेशन हो चुका है, करेक्शन आ चुका है टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज. तो टाइम वाइज करेक्शन हम लोग 18,100 से देख रहे हैं, 16,750 तक मार्केट करेक्ट हुआ. एंड फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिलीफ रैली आई, दैट वॉज होस्टेड बाई आरबीआई. तो मैंने फ्राइडे को ही क्लियरली बता दिया था कि मार्केट में एक रिलीफ रैली आ सकती है. थर्सडे को मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था. तो यहाँ पे जो है कल कैसे कामकाज कर सकता है निफ्टी, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे. एंड जो पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे, मैंने इस लेवल्स पे करीब करीब यही लेवल था जिसपे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये एम पैटर्न बनने वाला है. लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक और एम पैटर्न बनाया, इनसाइड एंड एम पैटर्न. तो ये देखिए एक बहुत विशाल एम पैटर्न है, दिस इज 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम. एंड उसके अंदर एक और एम पैटर्न बनाया. एंड आज जो है लास्ट 1 आवर में मार्केट ने 16,000 यहाँ पे जो है, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लेवल से आसपास कहीं पे 16,850 के आसपास का एक लो बना दिया मार्केट ने. तो यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट क्या करना है, देखिए मेरे को क्लियरली ऐसा लगता है कि जो चीजें जो खबर सबके पास होती है एंड वो सब लोग जो एक ही दिशा पे रिएक्ट करते हैं, जैसे शिप होता है, शिप एक मतलब एक बहुत सारा एक ग्रुप पे चल रही होती है शिप. एंड जो शिप को सिखाया जाता है, जो पहला वाला जो बंदा जो करता है, जो शिप होता है, द फर्स्ट शिप, इफ ही और शी जंप्स ऑन द क्लिफ, ईच एंड एवरी शिप जंप्स फ्रॉम द क्लिफ एज वेल. तो ये होता है मार्केट में. तो सबको जो क्रेडिट स्विच का ये लेमन ब्रदर हो जाएगा नेक्स्ट, इस पे सीडीएस आपको बताया जा रहा है कि सीडीएस में हम लोग राइज देख रहे हैं. सीडीएस इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स. तो जब भी एक बैंक का डिफॉल्ट रेट लगने लगता है कि डिफॉल्ट कर सकता है बैंक, तो यूएस में क्या होता है ना, वहां पे लोग सीडीएस परचेस करते हैं. जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बिग शॉट करके मूवी है, तो मूवी भी आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेन भी आपको करेगा और उसमें आप सीख भी पाएंगे सीडीएस क्या होता है. 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, किसी को बोल के नहीं आया था. एक ही डिफरेंस है, तब इंटरनेट उतना खास मतलब इतना सोशल मीडिया नहीं था, अभी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है. तो आपको ट्विटर में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स मिल जाते हैं, आपको स्विस बैंक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर 90 जन शॉर्ट है एंड 10 जन अगर ऑपरेटर लॉन्ग करके बैठे हैं, तो ऑब्वियसली 10 जन जो लॉन्ग किए दे विल ओनली विन. तो ठीक है, यहाँ पे सब चीजें जिसको पता होती है वो कभी नहीं जीतता मार्केट में. मार्केट में कॉन्ट्रा बेट्स हमेशा लेनी पड़ती है. तो एकदम से आप मत सोचिए कि जो क्रेडिट स्विस गिर जाएगा, एक और लेमन ब्रदर हो जाएगा, फिर डाओ ने फिर से क्रैश करना, इंडियन मार्केट क्रैश करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा 90 जन सोचते हैं तो बहुत अच्छा है, सिर्फ हम 10 जन पैसा बनाएंगे मार्केट में, बिकॉज वी आर बुलिश इन दिस मार्केट. जो लेवल्स पे अभी मार्केट में डील मिल रहा है, आई थिंक 16,800 16,900 17,000 में एकुमुलेशन करने का टाइम है, ना कि बेचने का. तो कल के लिए मैंने लेवल जो क्लियरली निकाल के यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है, एक सपोर्ट मेरे को नीचे से दिख रहा है, दैट सपोर्ट इज अराउंड 16,780 से लेके 16,900 तक का सपोर्ट. तो ठीक है, मार्केट उसी रेंज पे आज बंद हुआ सपोर्ट्स पे. तो इस रेंज पे कहीं ना कहीं आपको लेने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए. यहाँ पे पीसीआर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है. यहाँ पे पीसीआर जो बढ़ के आया था फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा भी दिखा देता हूँ, पीसीआर भी यहाँ पे गिर के आया है. एंड ऑप्शन चेन डेटा में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे पुट साइड्स के जो पुट राइटर है वो अनवाइंडिंग उतने ज्यादा नहीं हो रहे, अभी भी पोजीशंस है पुट साइड में. तो पुट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल साइड में 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पुट साइड पे भी अभी 89,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है. यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों ने पोजिशन अपना स्क्वायर ऑफ किया पुट साइड में. तो यहाँ पे क्लियरली जो व्यू निकल के आता है निफ्टी में, दैट इज 16,840 से लेके 16,720 के सपोर्ट्स लेके निफ्टी यहाँ पे जो है आपको एक नया हाई बनाते हुए दिख सकता है. तो यहाँ पे स्विंग के लिए बहुत अच्छा आपका टारगेट यहाँ पे मिलेगा. स्विंग के लिए आपको यहाँ पे करीब करीब 16,650 से लेके 16,700 का एक आपको लेवल आ रहा है, उसमें आपको जो है निफ्टी को लॉन्ग करना पड़ेगा. स्टॉप लॉस आपका होगा 16,650 का, लेना पड़ेगा आपको 16,900 के ऊपर. एंड स्विंग के लिए मुझे लगता है यहाँ पे मैंने एक राय भी यहाँ पे शेयर की थी, यहाँ पे एक पैटर्न भी मैंने फॉर्म किया है. तो अगर आप इसमें काम करते हैं तो आपका
ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, अगर इसमें आप काम करते हैं तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके ही कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको लर्निंग पॉइंट्स मिल जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कीजिए फिनोस्टैट का टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको जो है रिकमेंडेशंस, लर्निंग एंड कॉल्स भी प्रोवाइड की जाती है, एंड कुछ भी अपडेट रहा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। अभी आ जाते हैं चार्ट्स पे, निफ्टी का चार्ट देखिए, मैं कुछ स्टॉक का ऑप्शंस भी बताऊंगा, बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। पहले निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कल मुझे ऐसा लगता है आज जो इमरजेंसी मीटिंग है वो सिर्फ एक रिलीफ रैली के लिए है। आरबीआई का इतना बड़ा रिलीफ रैली, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई का जो रिलीफ रैली था इतना बड़ा था। यहाँ पे डाओ में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है डाओ का जो मैं चार्ट है आपको यहाँ पे डाओ का चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो 52 का नया लो बनाया डाओ ने, तो डाओ में भी एक ऐसी अगर रिलीफ रैली आती है तो आपको क्लियरली यहाँ पे निफ्टी भी कल 17,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये अगर रिलीफ रैली मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाओ में आना चाहिए, बिकॉज इतना बिकवाली इसमें हो चुका। देखिए कितना, अगर हर महीने 10-10%, 12-12% मार्केट अगर टूटेंगे तो 12 महीने लगेंगे मार्केट को जीरो होने में। तो सब कुछ तो जीरो होगा नहीं, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो सब कुछ जब जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लेना चाहिए डाओ में। तो इस हिसाब से मैंने निफ्टी का प्लानिंग किया है, वी आर बायस्ड ऑन द लॉन्ग साइड, ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। आप अपना रिसर्च खुद करके फिर इसमें जो है कामकाज कीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट्स में लेने का टाइम होता है ना कि बेचने का, तो यहाँ पे सपोर्ट्स में जो है आपको बाई करना है। मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पे जो है ड्राइंग्स में रिमूव करूँ, लेवल्स इसमें सिंपल निकल के आ रहा है निफ्टी का जो लेवल है। देखिए निफ्टी में यहाँ पे जो है आपको क्लियरली मेरे को जो लेवल निकल के यहाँ पे आ रहा है, दैट इज सिंपल लेवल विल बी 17,200। 17,200 कल एटलीस्ट टेस्ट होना चाहिए मार्केट्स में। यहाँ पे जितनी भी गिरावट आई है उसका कल पूरा भरपाई किया जाएगा मार्केट्स में। नीचे सपोर्ट एक ही है, अभी तो आपको डिप्स में लेने का मौका मिला। कल मान लीजिए मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ तो नीचे को जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन लेने आती है तो यहाँ पे गैप अप के बाद यूजुअली हम लोगों ने देखा है, अगर मान लीजिए 17,040 के आसपास गैप अप हुआ एंड थोड़ा बहुत नीचे आती है, देन यही मेरा जो है एसएल रहेगा, यही कल के लिए इंट्राडे के लिए एसएल रहेगा। दिस विल बी माई एसएल, क्लियरली मेरा एसएल रहेगा 16,840। 16,840 के एसएल से मैं निफ्टी को लॉन्ग करना चाहूंगा इस लेवल्स पे। मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 17,000। 17,000 का पहला टारगेट है, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी। अगर कोई कॉल के पोजीशन में बैठ रहे हैं, जैसे 16,900 का अगर कोई कॉल ले रहा है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 17,000 का। उसके ऊपर निफ्टी निकलना अगर स्टार्ट किया तो यहाँ पे और भी ऊपर जा सकता है, कहाँ तक, 17,180 तक, जो ये स्विंग का हाई था। ये देखिए दिस वाज द स्विंग हाई ऑन निफ्टी। तो इस हाई के बाद ही जो है मार्केट ने गिरावट दिखाया, इसके बाद फिर उसी लेवल्स को टेस्ट किया, थोड़ा सा इसको काटा भी निफ्टी ने, फिर वहां से जो है हम लोगों ने एक शार्प सेल ऑफ देखा। तो यहाँ से लेवल एक ही निकल के आता है, कल गैप अप हो जाए, थोड़ा नीचे आए मार्केट, तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे मार्केट्स को। शॉर्ट साइड पे मैं अभी देख नहीं रहा हूँ बिकॉज अक्टूबर का महीना है एंड 10 में से 12 में से 9-11 बार हम लोगों ने देखा है मार्केट में तेजी आती है अक्टूबर महीने का। तो डेटा बोलता है, टाइम बोलता है, एंड मार्केट में देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होता है। आप कुछ भी यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लीजिए, यहाँ पे आपको फायदा ही होगा, ना कि आप यहाँ पे ब्लाइंडली शॉर्ट कर दे मार्केट को। तो ठीक है, यहाँ पे लेवल सेम रहेंगे, मैं ड्रॉइंग्स को रिमूव कर रहा हूँ, एंड लेवल्स मेरे हिसाब से यहाँ पे 17,200, देन यहाँ पे जो है 17,000, इस लेवल से अगर ओपनिंग होती है मार्केट्स की देन 17,000 फर्स्ट टारगेट, देन सेकेंड टारगेट विल बी 17,200, देन 17,345 एंड फाइनल टारगेट होगा 17,500। ये मैं थोड़ा पोजिशन ही देख रहा हूँ, 17,500 इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा मूड माहौल खराब है ग्लोबली, अदरवाइज हमारे मार्केट्स पॉजिटिव है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। देखिए 38,000 का लेवल तो होल्ड हो गया, साइकोलॉजिकल जो लेवल था 38,000 होल्ड होना चाहिए वो होल्ड हो गया यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में अभी आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में एकदम से आपको यहाँ पे
कुछ भी बड़ा यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट रीजन ये है कि रुपी फिर से टूट रहा है, डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल आपको फिर से डिसकंफर्ट जोन पे जाते हुए दिख रहा है, 89-90 हो जाएगा फिर, दैट इज द डिसकंफर्ट जोन। एंड यहाँ पे विंडफॉल टैक्स भी सरकार ने बोली है, जब क्रूड ऑयल 80 के नीचे आ जाएगा तो जो है विंडफॉल टैक्स एकदम से माफ कर देंगे। तो रिलायंस के लिए भी नेगेटिव खबर था। यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड रुपीज से डायरेक्ट लिंक है बैंक निफ्टी का, तो बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है। तो बैंक्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत और टाइम वाइज करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट बैंक्स लॉन्ग निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे अदानी जो है, अदानी निफ्टी में आई, फिर जो है 10% का आज जो है लॉर्ड सर्किट मार दिया अदानी ने, फिर वहां से रिकवर होके बंद हुआ। तो ये सब निफ्टी के आने के बाद ही, इंक्लूड होने के बाद ही होना होता है, अदरवाइज निफ्टी आज जो है 17,300 का लेवल आपको दिखा देती। तो अदानी थोड़ा यहाँ से रिकवर कर जाए, ऑटो इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स थोड़ा बहुत और चल जाए, एफएमसीजी में थोड़ा और आपको जो है खरीदारी दिखे, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो ये सारे इंडेक्स अगर परफॉर्म करेगी तो बैंक निफ्टी की जो है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी को अगर परफॉर्म करना है तो वो दूसरे सेक्टर से भी सपोर्ट आ सकती है। बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड में ही रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट करने का मन है तो बैंक निफ्टी कीजिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट साइड में बैंक निफ्टी में फेवरेबल है, बिकॉज उतना गिरा भी नहीं बैंक निफ्टी। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 37,500 ये लेवल्स टेस्ट होते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए अभी भी वी हैव 500 पॉइंट्स, तो 500 पॉइंट्स अगर फॉल आ जाए तो इसके नीचे और भी 500 पॉइंट गिर सकता है, बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ये रहेगा कि बैंक निफ्टी और गैप अप होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी इस लेवल्स पे गैप अप हुआ, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डालना है 38,000, ठीक है, 38,830 का एक स्टॉप लॉस डालिए, 38,080 का एक स्टॉप लॉस डालिए। यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 38,500 का नीचे टारगेट रहेगा 38,000, 37,500, उसके नीचे गया तो 36,800। ये तीन टारगेट्स मैं बैंक निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन उसके बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी उतना नहीं गिरेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे आ जाते हैं, पहले एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने आज ज्यादा टूटने का यहाँ पे संकेत दिया नहीं, लेकिन मेरा एक फेवरेट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, दिस इज एम पैटर्न। एम पैटर्न का कंफर्मेशन कहाँ आएगा, यहाँ पे इस लेवल्स पे जो है एम पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा। तो इसके नीचे जो है एचडीएफसी अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका ये होगा रिवार्ड, दिस विल बी योर रिवार्ड, दिस इज योर रिस्क। तो 1:3 का आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे लेवल क्लियरली एक ही रहेगा, 1400 के नीचे, 1402 के नीचे, या तो 1400 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट सेल कीजिए एचडीएफसी बैंक को बिलो 1400, एंड स्टॉप लॉस रखना है 1413 का। सो सिर्फ 13 रुपए का यहाँ पे रिस्क, नीचे आपका रिवार्ड 1360, 40 रुपए का रिवार्ड, 40 से 48 का रिवार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा 12 से 13 रुपए का रिस्क, यानी 1:4 तक का आपको यहाँ पे आरआर रेशियो बैठ रहा है, 1:4 आरआर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो एचडीएफसी बैंक में जो है जरूर यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे आज जो गिरावट नहीं हुई कल हो सकती है। अपसाइड में क्या करना है, अपसाइड में मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई अगर एचडीएफसी बैंक ने निकाल दिया, देन हम लोगों को यहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन में बैठना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन कहाँ पे आपको लेना है, आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, या तो कैश में भी, इक्विटी कैश में भी इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। 1432 के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा, 1433 में लीजिए, 1420 का लगाइए स्टॉप लॉस। ऊपर में जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो है 1440 का, सेकेंड टारगेट विल बी 1460। ये दो टारगेट्स के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग भी करना, देखिए दोनों तरफ के मौके कल मिल सकते हैं आपको, तो दोनों तरफ का आपको लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्फोसिस देख लेते हैं, देखिए इन्फोसिस में मैं लॉन्ग करने का थोड़ा कॉन्ट्रा जाने का यहाँ पे मेरी सोच है इन्फोसिस में, बाकी आपकी मर्जी, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके ही काम कीजिए। इन्फोसिस जो है यहाँ से मुझे लगता है इसी एक्सपायरी के अंदर, यानी कि 27 अक्टूबर का जो मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है वो आपको जैकपॉट हो सकती है, अगर आप इन द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे यहाँ पे 1380 या 1400 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं।
एट द मनी या इन द मनी का आप कॉल ऑप्शन लीजिए। यहाँ पे जो है इन्फोसिस में मेरे को एक लेवल कल के लिए जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको स्टॉप लॉस मानते हुए 1390 का स्टॉप लॉस को मानते हुए 1396 1396 में ही बाय करना चाहूंगा। पहला टारगेट होगा 1404, 1404 का पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट विल बी 1410, थर्ड टारगेट विल बी 1416। तो यहाँ पे 16 तक का आपको 1416 तक का टारगेट आपको मिल सकता है अपसाइड में। तो 1396 में बाई करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 1388 के स्टॉप लॉस के, यानी कि करीब 8 से 10 रुपए का नीचे रिस्क है, ऊपर आपको 20 रुपए का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये हो गया इन्फोसिस। अब तीसरे स्टॉक में चलते हैं। तीसरे स्टॉक के लिए देखिए, यहाँ पे थर्ड स्टॉक के लिए मैंने पिक किया है अदानी एंटरप्राइज को। यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज तो निफ्टी में शामिल होने के बाद ही गिरावट दिखाई है, लेकिन हिस्ट्री यही बोलता है कि 1-2 दिन गिरावट के बाद आपको जो स्टॉक नया ऐड हुआ उसमें तेजी भी दिखती है। तो यहाँ पे तेजी अगर आनी है स्टॉक में, तो यहाँ पे आपको एक लेवल ध्यान रखना पड़ेगा अदानी एंटरप्राइज में, वो है 1377, 3177। ये लेवल जो है आपको अदानी एंटरप्राइज में ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको तेजी करनी है। इसके ऊपर आपको जो है कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, या तो आप इसमें कैश में इंट्राडे कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 3200 का, 3200 का जो है पहला टारगेट रहेगा, 3200, 34 का दूसरा टारगेट, देन 3363। ये तीन टारगेट्स आपको BTST या तो कल ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तीन बड़े टारगेट्स है, तो देख के लिए प्ले यहाँ पे देख के प्ले कीजिए, एंड थोड़ा कॉशियस भी रहिए मार्केट्स में यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि नीचे से बहुत भाग चुका है। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक रखिएगा 1300, 3177 के ऊपर कंफर्मेशन है, 3100 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर आप 100-150 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं अदानी एंटरप्राइज में। ये हो गया तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक के लिए रिलायंस है। रिलायंस में 5G का जो रोल ओवर है उसका का जो खास जो है अच्छा खासा कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको जो करना है रिलायंस में, आपको जो करना है यहाँ पे जो है एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन का हम लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। रिलायंस में ये कंसोलिडेशन अगर कंप्लीट करता है, ये जो कंसोलिडेशन है इसका अगर ब्रेकआउट ऐसे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद आता है, तो करीब 2400 के आसपास जो है आपको बाई करनी पड़ेगी। रिलायंस में 2400 के आसपास बाई कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 2420, 2440 एंड 2480। 80 पॉइंट्स का आपको ऊपर में टारगेट है, नीचे आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है 2360 रुपए का। तो 40 पॉइंट का नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 80 पॉइंट का रिवर्ड है आपको ऊपर में। तो यहाँ पे 1:2 के लिए रिलायंस को लॉन्ग करके आप चल सकते हैं कल। तो ये हो गया गाइस चार पिक, एंड इसके अलावा एक्सिस बैंक को मैंने, एक्सिस नहीं आईसीआईसीआई बैंक को मैंने चूज किया है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे देखिए क्लियरली जो लेवल यहाँ पे जो दिखा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के लिए लेवल सिंपल है। लेवल होगा यहाँ पे 844 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे जो है आईसीआईसीआई बैंक को करना है लॉन्ग। 844 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग करना है आईसीआईसीआई बैंक को। यहाँ पे जो कल के लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं, दैट इज 852, 856 देन 864। स्टॉप लॉस आपका जो एसएल रहेगा, एसएल आपका रहेगा यहाँ पे 836 का एसएल आपको लेके चलना है। 836, 836 के एसएल के साथ आईसीआईसीआई बैंक में आप लॉन्ग कर सकते हैं, एंड ब्रेकडाउन कंफर्मेशन तभी इसमें आएगा जब आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकडाउन अगर प्ले करना है, शॉर्ट करना है, तो इसके नीचे कीजिएगा, इसके ऊपर बिल्कुल मत कीजिए। 844 के नीचे जो है आप यहाँ पे जो है शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए जो है 844 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे ही शॉर्ट बनेगा। टारगेट होगा 833, 828, 820। ये तीन टारगेट्स के लिए आपको आईसीआईसीआई बैंक में करना है शॉर्ट। ठीक है, तो मैंने सारे लेवल्स जो है आपको बता दिए। इसके अलावा जो है आपको मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का भी लेवल बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए व्यू जो है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है मार्केट में, एंड जिसको भी यहाँ पे प्रीमियम सर्विस चाहिए, जो वन टाइम पेमेंट से आपको लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिलता हो एंड रेगुलर बेसिस पे मिलता हो, तो यहाँ पे फिनोस्टैट का प्रीमियम प्लस मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर है अभी 7999 में। लाइफ टाइम आपको सपोर्ट, गाइडेंस, 1:1 सर्विस, यहाँ पे आपको जो है
ऑन टाइम एंट्री एग्जिट ऑप्शंस में जैकपॉट स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी जैकपॉट, 920 स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपको लर्निंग एनालिसिस करके हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपका लर्निंग एंड अर्निंग दोनों इससे होता है। तो 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टैट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, फिर जो है आपको यहाँ पे हम लोग गाइड कर लेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।